हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं, गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। बहुत से किडनी पेशेंट्स हमारे पास रेगुलर बेस पे आते हैं जिनको अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर होता है या किडनी की बीमारी ऑलरेडी चालू हो चुकी होती है। कई हमारे हार्ट पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं जिनको ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम आता है, हार्ट से रिलेटेड भी किडनी फेलियर होता है और किडनी से रिलेटेड भी हार्ट फेलियर होता है। तो हमारे कार्डियक पेशेंट्स में बहुत सिग्निफिकेंट ओवरलैप होता है किडनी की बीमारियों के साथ। आज हम कुछ स्पेसिफिक फूड्स के बारे में बात करेंगे जो किडनी वाले पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि उनका किडनी प्रोटेक्टेड रहे। बहुत शॉर्ट में कुछ ही चीज़ों पर बात करेंगे। ऑलरेडी किडनी प्रोटेक्शन के बारे में, डाइट के बारे में हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज कुछ सिलेक्टेड फूड स्टफ्स पर बात करेंगे जो किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़ा नुकसानदायक है, इसलिए उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का शॉर्ट टॉपिक होगा। इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग सारे कंटेंट को शॉर्ट्स में देखना चाहते हैं या ब्रीफ समरी जानना चाहते हैं, उनके लिए हम रेगुलर बेस पर यूट्यूब शॉर्ट्स अपने चैनल पर अपलोड करें, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई टॉपिक्स हैं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में आप हमें बताइए, हम उन्हें भी कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है कौन कौन से फूड स्टफ्स किडनी वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किडनी जो जो चीज़ों को फिल्टर आउट करता है, जब किडनी फेल होने लगती है तो वो बॉडी में बढ़ने लगता है, चाहे वो सोडियम हो। सोडियम अगर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, किडनी फेलियर के लिए वो नुकसानदायक है। पोटाशियम अगर बढ़ेगा तो वो बॉडी को एक तरह से हार्ट के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका। अगर पोटाशियम बहुत ज़्यादा बढ़ता है किडनी वाले फेलियर वाले पेशेंट्स में तो वो हार्ट को बंद कर सकता है, जिससे पेशेंट्स की सडन जान जा सकती है। तो बॉडी का ज़्यादातर पोटाशियम जो एक्सक्रीट होता है वो किडनी के जरिए होता है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर किसी को भी किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको पोटाशियम रिस्ट्रिक्टेड फूड्स ज़रूर खाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू होता है प्रोटीन का। प्रोटीन अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में, तो आपकी किडनी के लिए वो सारी प्रोटीन जब किडनी में छनती हैं तो किडनी को नुकसान करती हैं। तो अगर किसी को बॉर्डर लाइन या अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर है, क्रिएटिन 1-2-3 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन जितना किडनी से ज़्यादा छनेगा उतना किडनी को ज़्यादा डैमेज करेगा। आपको प्रोटीन नॉर्मली जो है डाइट में रिकमेंड होता है 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट, यानी अगर 60 किलो का आदमी है तो 60 ग्राम प्रोटीन रिकमेंडेड होता है, 80 किलो का है तो 80 ग्राम रिकमेंडेड होता है, ये स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है। तो अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आप उसको मे बी 0.6 या 0.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट रख सकते हैं, यानी 60 किलो का आदमी में 30-35 ग्राम रख सकते हैं। पर इसमें कैच ये है कि हमारे ज़्यादातर इंडियन डाइट जो लोग फॉलो करते हैं उसमें वैसे भी प्रोटीन 10-15 ग्राम होता है, खासकर जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो लोग लेते हैं उनमें तो प्रोटीन ज़्यादा मिलता है उनको, पर वेजिटेरियन डाइट में तो वैसे भी प्रोटीन्स कम होता है। तो वैसे लोगों में ये एप्लीकेबल है या नहीं कह पाना बड़ा मुश्किल है। उनको हर आदमी को अपना डाइटरी प्रोटीन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो क्या क्या ले रहा है और वो फूड स्टफ में कितना प्रोटीन है, उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है कि मेरा बॉडी वेट 60 kg है, मेरा रिकमेंडेड 40 ग्राम्स है, तो मेरे डाइट में मैं क्या क्या ले रहा हूँ जिसमें प्रोटीन मिल रहा है उसके हिसाब से वो मैनेज कर सकता है। अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में आपको कम प्रोटीन लेना है। लेटर स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में अगर पेशेंट ज़्यादा आता है, यहाँ जहाँ उसका किडनी से प्रोटीन छनना चालू हो जाता है, बॉडी से प्रोटीन डिप्लीट होना चालू हो जाता है, जब किडनी ज़्यादा फेल हो जाती है, तो जैसे ये कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में होता है कि बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन बहना चालू हो जाता है, तो वैसे पेशेंट को तो उल्टा ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे पेशेंट्स को इतना ज़्यादा प्रोटीन लॉस होता है कि वो हाइपोप्रोटीनीमिया में चले जाते हैं। यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम या एडवांस स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में आपको ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा, वहाँ बॉडी में ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन है, तो आपको 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट लेना पड़ेगा, यानी 60 किलो के आदमी को 70 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। वहाँ अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो उल्टा प्रोटीन पाउडर वगैरह लेके आपको उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बॉडी में प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाएगा जिससे आपको मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। तो प्रोटीन का मैनेजमेंट, पोटेशियम का मैनेजमेंट, सोडियम का मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में और किडनी डिजीज वाले पेशेंट में। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो सोडियम जो भी चीज़ों में है, नमक एक्स्ट्रा आप बिल्कुल मत लीजिए, और जो भी चीज़ों में ज़्यादा नमक है जैसा कि बेकिंग सोडा वगैरह है या कोई भी चीज़ में और खाने का सोडा वगैरह, पीने का सोडा आप लेते हैं तो वो आपको कम रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फैटी मीट्स मत लीजिए। मीट जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है वो मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किडनी वाले पेशेंट्स में मृत्यु का कारण कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स ही होता है। ज़्यादातर पेशेंट जो मरते हैं वो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ही मरते हैं, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा फैटी मीट्स मत लीजिए। और वैसे भी इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो अर्ली स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर में आप इसे बिल्कुल मत लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल। अगर आपका किडनी का फंक्शन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, आपका क्रिएटिन ऑलरेडी बढ़ना चालू हो गया, तो आपको अल्कोहल को अवॉइड करना है। अगर जो लोग रेगुलर बेसिस पर ड्रिंक कर रहे हैं उनको बने जितना कम रखना है, ज़्यादातर ये किडनी के लिए नुकसानदायक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मत लीजिए, खासकर अगर फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, एक तो इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है और किडनी के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं तो एटलीस्ट उनका फैट कंटेंट आपको निकालना है, और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में थोड़ा पोटेशियम कंटेंट भी ज़्यादा रहता है तो उसको भी आपको अवॉइड करना है, सिलेक्ट करके आपको लेना है। कोई भी फूड स्टफ जिसमें पोटेशियम है, जैसे कि जूसेस वगैरह हैं, पोटैटोज हैं, ऑरेंज जूस वगैरह, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिस भी चीज़ में पोटेशियम ज़्यादा है वो आपको कंपेरेटिवली कम रखना है, और जितना हो जितना ज़्यादा हो सके आपको पानी पीना है। पानी एकमात्र ऐसा चीज़ है जो आपको किडनी को प्रोटेक्ट कर सकता है एटलीस्ट अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में। तो अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है और जस्ट चालू हुआ है, या कोई टॉक्सिन रिलेटेड भी अगर किडनी फेलियर है, तो उनको बने जितना ज़्यादा पानी पीना है। पानी पीने से उनका किडनी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। और कितना पानी पीना है, मान के चलिए एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस पर डे आपको पानी पीना है। अगर आप कम पानी पीते हो तो वो आपके लिए किडनी के लिए थोड़ा नुकसानदायक रहता है। अगर किसी को सीवियर हार्ट फेलियर वगैरह और पानी बहुत ज़्यादा वो पीने से नुकसान कर रहा है हार्ट को, तो थोड़ा सा डॉक्टर से डिस्कस करके आपको लेना है कि आप कितना ज़्यादा ले सकते हो कितना नहीं ले सकते हो। पर अदरवाइज़ अगर हार्ट का फंक्शनिंग ठीक है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अवॉइड करना है कि कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स जो है जिसमें कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, या बिग बुल या इस तरह की जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो मत लीजिए। ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदा नहीं करती, उल्टा नुकसान करती है। तो अगर आपको किडनी का रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कैफिनेटेड बेवरेजेस आपको नहीं लेना है, सोडा नहीं लेना है। सोडा में भी सोडियम सोडा बाइकार्ब होता है, वो भी नुकसानदायक है, आपकी किडनी के लिए परेशानी क्रिएट करता है और आपकी किडनी की बीमारियां बढ़ने का चांस हो जाता है। तो किसी भी पेशेंट को अगर किडनी का रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स से किडनी स्टोन्स बढ़ने का चांस भी हो जाता है और किडनी को भी अदरवाइज भी डैमेज करता है, नमक भी उसमें ज़्यादा रहता है, तो उनको अवॉइड करें एज फार एज पॉसिबल। आइस टी भी अगर आप ले रहे हैं तो आइस टी में भी कंपेरेटिवली ऑक्जैलिक एसिड ज़्यादा होता है, और ये ऑक्जैलिक एसिड जब जाता है बॉडी में, आइस टी अगर बहुत ज़्यादा आप लेते हो तो वो किडनी में पथरी बना सकता है, जिसकी वजह से किडनी में ऑक्जैलिक एसिड स्टोन्स बन सकते हैं। तो अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आइस टी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। तो एक्चुअल में लेना क्या है, कोई भी डाइट जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह में ज़्यादा है अच्छी है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो लेना है, होल ग्रेन्स लेना है यानी अनप्रोसेस्ड या अनरिफाइंड ग्रेन्स लेना है, फिश ज़्यादा लेना है, बीन्स ज़्यादा लेना है, सीड्स अच्छे लेने हैं, नट्स लेना है। नट्स में लेकिन अगर फैट कंटेंट ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, उनको प्लान करके लीजिए कि आप कितना ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों में सोडियम कम होता है, शुगर कम होता है, स्वीट्स कम होता है, फैट कम होता है। कंपेरेटिवली आपको रेड मीट्स को नहीं लेना है, फैटी फूड्स को नहीं लेना है, ऑयली फूड्स को नहीं लेना है, शुगर और स्वीट्स को भी आप कंपेरेटिवली कम रखना है, तो ये आपकी किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको आपके किडनी डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि किडनी वाले पेशेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ों को लेना है, क्या चीज़ों को नहीं लेना है, जस्ट एक ब्रीफ समरी था। हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए हैं किडनी वाले पेशेंट्स के लिए, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यदि इस टॉपिक संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को भी कवर करने का प्रयास करेंगे और आपकी पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज को भी सॉर्ट आउट करेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में टेक्निकल कंटेंट्स नहीं देखना चाहते हैं और सिर्फ उनको एक समरी चाहिए, ब्रीफ समरी चाहिए कि शॉर्ट में कोई बता दे कि क्या करना है, उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स को हम अपलोड कर रहे हैं। आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं और एक एक मिनट में उनकी समरी जान सकते हैं टॉपिक की।